एस पी नाइटी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। BHU इंट्रेंस में जो है 13/5/2018 को ये इंट्रेंस हुआ था, उस इंट्रेंस में बहुत सारे मुख्य प्रश्न हैं और ये आंसर सीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है चाह रहे हैं। तो आज मैं जो है इंट्रेंस के जो है इसके जो क्वेश्चन के आंसर है मैं आपको देने वाला हूँ। और मिला लीजिए फ्रेंड्स, यदि आप BHU के स्टूडेंट हैं तो आप मिला लीजिए कि आपकी कितने प्रश्न आपने सही किया है, कितना सही नहीं किया है, और तुरंत हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर हमने इतना प्रश्न सही किया है, इतना प्रश्न हमारा मिस्टेक हो गया है, हमें लिख के बताइए और फिर हम आपको जो है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो आइए देख लेते हैं। इस गलत करने पर एक अंक काटा जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसमें से कोई नहीं है। उस भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। तो ये हैं आपके, ये अब्दुल कलाम। उसके बाद अजंता गुफा कौन से नंबर में शरद बुद्ध की विशाल मूर्ति है? तो वो गुफा नंबर 9। उसके बाद जो है सैंड मूर्तिकार जो है, सैंड की जो मूर्ति बनाते हैं वो है सुदर्शन पटनायक जी हैं जो सबसे लोकप्रिय हैं। उसके बाद है पूछे जा रहे दो बिंदु बीच बनने वाली रेखा जो सीधी रेखा बनती है वो 180 डिग्री की होती है। उसके बाद है रसानुभूति जो होती है कक्के जो शास्त्र के व्यापक उल्लेख जो मिला मिलता है वो है नाट्यशास्त्र में नाट। उसके बाद है जो शंकराचार्य का मठ नहीं है वो है, वो मथुरा में नहीं है। उसके बाद ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो ये जो लिखा है आपने, प्रदीप जी ने लिखा है और लता जी ने इसको गाया है। उसके बाद प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार जो है मदन लाल नागर जी हैं जो सब। उसके बाद अब बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुबनी में हुआ था। उसके डॉक्टर वासु शरण अग्रवाल का पहचान इतिहासकार से है। उसके बाद बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? तो वह वास पद्धति। उसके बाद बार दोहराती घटना एवं संगीत से जुड़े रेडियो विज्ञापन कहते हैं झंझनाती सहज कविता। गीतांजलि के जो रचनाकार है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। उसके बाद लोगों का आशय होता है उपात का फैशनगत नाम। उसके बाद जहांगीर जो है में जो है पक्षी चित्र जो करता था वो है मंसूर करता था। उसके बाद है गोथी कला जो होती है वो आपके कांच रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए होती है। टेक्सटाइल डिजाइन पेंटिंग जो होता है वो फ्रेस्को पेंटिंग में निषेध होता है, ठीक है। उसके बाद ए होर्डिंग की तुलना में पोस्टर कैसा होता है? वो छोटा होता है। उसके बाद प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग का संबंध है इटली से है, इटली का रहने वाला है लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद पशु जो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं जो शिकार के दौरान पशु का चित्र बनाते थे अधिकतर पशु के चित्र। उसके बाद है ब्रैकेट के समीप है वो साड़ी। उसके बाद 3D जो आता है आपका मूर्ति कला के अंतर्गत। उसके बाद लक्षणम जो है रचनाकार जो है वो नगरजीत जी हैं। उसके भाद भवन कहाँ है? वो है भोपाल में है। उसके बाद समस्त ललित क्राउ का विद्यमान है तो वो है रेखा। अजंता भित्ति चित्रों का विषय वस्तु है जातक कथाएं। उसके बाद यूरोपीय आधुनिक चित्रकला के जो है प्रथम वाद है प्रभाववाद। उसके बाद काशी हिंदू मतलब BHU के वाराणसी के कुलपति के गीत को किसने लिखा है? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इज करेक्ट। माता की जो पेंटिंग है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की है, अवनींद्रनाथ टैगोर। उसके बाद मुगलों के शाहजहां में चित्रकला का जो श्रेष्ठ जो था वो है जहांगीर परख रखने वाला। और लिखा है कि भारतीय फ्रेस्को चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सटीक मिश्रण रहता है? तो वो है चूना एवं बालू। इज करेक्ट। उसके बाद अगला जो हमारा जो है मेन है किशनगढ़ी की जो है जो प्रसिद्ध कलाकृति है वो है बनी ठनी इज द। उसके बाद ग्रेफाइट है वो है जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है तो पेंसिल इज लेड इज करेक्ट। उसके बाद है तांत्रिक कलाकार जो है GR संतोष इज द तांत्रिक कलाकार। उसके बाद जो है आधुनिक कला का जो पिता है शेजा को माना जाता है इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ।
इसके बाद ग्राफिक्स का संबंध है एचिंग से है। उसके बाद एलिफेंटे गुफाएं, जो कि गुफाएं प्रसिद्ध है, वह त्रिमूर्ति सौंदर्य के लिए इस लोकप्रिय। उसके बाद रिलीफ चित्रकला का विरोधी बतलाइए, तो वो है इंटेगैलियो इज करेक्ट आंसर। उसके बाद वो यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्यकार जो लैंडस्केप बनाता है, वो है जॉन कॉन्स्टेबल। उसके बाद है प्रथम पोस्टर का डिजाइनर सेरेट। और ये प्रश्न आपको बताना है इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है फ्रेंड्स, लिख के बताइए। उसके बाद है रिवर्स, मतलब SBI दिल्ली स्थित यश की मूर्ति किसने बनाया है, DP राय चौधरी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कौन सी जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ है, तो वह एशिया में। उसके बाद कला के अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, वो है अस्तु इज करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपको बताना है इनमें से कौन सी रेखा का विशेषक गुण नहीं है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सिर्फ दो प्रश्न आपको हम देंगे। उसके बाद है दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया का कहलाता है, वो मल्टीमीडिया इज द कंप्यूटर के प्रभाव है, मल्टीमीडिया की मतलब। उसके बाद है वो त्याग चित्र के जो प्रसिद्ध चित्रकार है जो सबसे पहले किया था, वो है राजा रवि वर्मा इज करेक्ट आंसर, जो प्रसिद्ध है। उसके बाद है कौन सा रंग जो तमस को प्रदर्शित करता है, तमस मतलब गहराई, मतलब वह काला से। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, लास्ट है कौन सी गुफा है जिनमें भारतीय कला का धार्मिक निरूपण हुआ है, वो है आपका एरोरा की गुफाएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स इस कमेंट नाउ अभी इसी वक्त। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपने सारे जितने भी आपको प्रश्न 50 प्रश्न दिए गए वो सारे आपने जो है, बहुत सारे प्रश्न आपके सही थे और बहुत सारे आपके जो है डाउट में होंगे। और मिस्टर हो कुछ प्रश्न जो है एकाक दो तीन प्रश्न ऐसे जो होते हैं जो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया या नहीं आए, तो और आप हमें बताइएगा कि आप लोग मेरे यदि मेरे वीडियो को देखा तो इसमें कितने सारे प्रश्न आपसे फंसे और कौन कौन से प्रश्न जो है आप लोगों को मिले और कितना आप लोगों को मेरे इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने कितना इसका लाभ मिला, ताकि हम अगली बार भी और सारे चीज़ों के बारे में हम आपको दे सकें। तो चलते हैं, आपसे सवाल, इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जलन नहीं है, मार्ग, हंस, ललित कला और आर्टिस्ट, बताइए कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रेखा का विशेषक गुण नहीं है, नियंत्रण है, घनत्व है, शक्ति है, क्रिया है, इसका उत्तर हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और विजेता बनिए, विजेताओं का नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। कमेंट